और एक क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्विज में हम लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए एक क्विज सर्टिफिकेशन लेके आए हो। तो इस क्विज में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर एक क्विज सर्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करता है तो आप लोग उनके साथ इस क्विज को शेयर कीजिए, उन लोगों को एक हेल्प हो जाएगा थोड़ा, और उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी इश्यू हो जाएगा। तो इस क्विज को ऑर्गेनाइज किया गया है श्री रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो क्विज में पार्टिसिपेट करने से पहले आप लोग कुछ अपने बेसिक डिटेल्स फिलअप करने पड़ेंगे, जैसे अपना ईमेल आईडी, नेक्स्ट अपना नेम, नेक्स्ट अपना स्कूल या कॉलेज जहाँ पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं अभी आप लोगों से आंसर शेयर कर देता हूँ। तो नंबर वन का आंसर आएगा 8 ओम। नंबर टू, तो इसका आंसर आएगा 0.02 फैराड। नंबर थ्री, तो इसका आंसर आएगा 1 माइक्रोफैराड। नंबर फोर, तो इसका आंसर आएगा रेशियो ऑफ 1C to 1V। नंबर फाइव, तो इसका आंसर आएगा रेसिप्रोकेटरी थ्योरम। तो आप लोग इस पेज के आंसर एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो इस पेज का नंबर वन का आंसर आएगा इज इंक्रीज अंडर रिवर्स बायस। नंबर टू, तो इसका आंसर आएगा द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज बाई द सेम अमाउंट। नंबर थ्री, तो इसका आंसर रहेगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर फोर, तो इसका आंसर रहेगा 100। एंड नंबर फाइव, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट, तो इस पेज का नंबर वन का आंसर रहेगा ए एंड बी। नंबर टू, तो इसका आंसर रहेगा स्मॉल। नंबर थ्री, तो इसका आंसर रहेगा द स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क एंड द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। नंबर फोर, तो इसका आंसर रहेगा लेवल कंपाउंड जनरेटर। एंड नंबर फाइव, तो इसका आंसर रहेगा स्मॉल। नेक्स्ट, तो इस पेज का आंसर वन होगा रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। नंबर टू, तो इसका आंसर आएगा डिक्रीजेस। नंबर थ्री, तो इसका आंसर आएगा 1/α। नंबर फोर, तो इसका आंसर आएगा बोथ स्टैटिक एंड टाइम वेरिंग फील्ड्स। एंड नंबर फाइव, तो इसका आंसर आएगा हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट, तो इस पेज का आंसर आएगा नंबर वन, तो इसका आंसर आएगा इनवर्ट इनपुट सिग्नल। नंबर टू, तो इसका आंसर आएगा 10। नंबर थ्री,
तो इसका आंसर रहेगा 1011। नंबर 4, तो इसका आंसर रहेगा डिकोडर। एंड नंबर 5, तो इसका आंसर रहेगा 5। तो इसको आप सारे के साथ जब देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को फीडबैक अपने हिसाब से देना पड़ेगा। तो आप लोगों को इस कॉम्प्लेक्सी कैसे लगा इस फॉर्म की, तो आप लोग लिख सकते हैं, अपने हिसाब से फीडबैक दीजिए। इस फुलनेस कैसे लगा आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं मॉडरेट दे देता हूँ। तो अगर आप फ्यूचर में इस तरह में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग येस या फिर नो या फिर मे भी अपने हिसाब दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से कॉमेंट लिख सकते, तो मैं यहाँ पर गुड लिख देता हूँ। उसके बाद सबमिट कर देते हैं। तो मैं स्कोर शेयर कर देता हूँ, अगर कुछ गलती हुए आप स्कोर जरूर सही कर लीजिएगा। तो देखिए 25 out of 25 मिला है, मतलब सारे सारे जवाब सही है। तो आप 24 से 48 तक वेट कीजिए, उसके अंदर ही आप लोगों को सर्टिफिकेट अपने मेल आई डी पर इशू कर दिया जाएगा। तो देखिए सर्टिफिकेट आ चुका है, मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों को इस तरह सर्टिफिकेट इशू होगा। तो देखिए आप लोगों को इस तरह सर्टिफिकेशन इशू हो जाएगा। तो बस इसको सर्टिफिकेशन की वीडियो में इतना तक है, आप भी इसको पार्टिसिपेट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं आप लोगों के लिए और एक नया सर्टिफिकेशन की वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू।